अल्मोड़ा जिले में सोमवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत समस्या से संबंधित समाधान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य समेत नगर के उपभोक्ता मौजूद रहे। वही शिविर में नगर के गणमान्य लोगों द्वारा आयोग के सामने विद्युत की बढ़ती दरों व लाइनों व तारों की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज की गई, जिसके तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उनकी शिकायतों का निवारण करने का आश्वासन दिया गया। शिकायतों के निवारण से संबंधित आश्वासन देने के बाद आयोग के अध्यक्ष डीपी गौरेला ने कहा कि जन समस्याओं को लेकर आयोग द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जो कि ब्लॉक स्तर पर भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई हाई प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, जिससे विद्युत की आपत्ति पूरी होगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। इस वर्ष की जन सुनवाई पहली हमारी, हमने यहीं से प्रारंभ किया है और कल हम जो है अलीपुर में करेंगे, उसके बाद टेहरी में करेंगे, उसके बाद देहरादून में करेंगे। तो अभी तक जो इनपुट आपने देखे हैं बस इसी प्रकार के हैं। तो इतना उसे हमारी गोष्ठी होती है और हमारे अधिकारी जाते हैं, भले ये पब्लिक हियरिंग हमने टेरिफ से रिलेटेड है ये यहाँ पर की हमने, लेकिन ब्लॉक लेवल पे हमारे अधिकारी जाते हैं, वो जन सुनवाई करते होंगे, गए हैं पीछे। तो ये जानते होंगे जब उत्तराखंड बना था उस 2000 में, उस समय वाकई में देखिए हमारे पास केवल शहर थे, पॉपुलेशन भी कम थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो उसमें जितनी बिजली जनरेट होती थी वो लगभग जो हमारे पर्याप्त थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जैसे रुद्रपुर में सिडकुल आ गया है, देहरादून में, हरिद्वार में तमाम फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, इंडस्ट्री आई है, तो इसलिए हमारा बिजली का लोड बहुत बड़ा है।